Namaste friends, welcome to our YouTube channel JSM IIT and Medical Hub. और आज का हमारा टॉपिक है Numericals based on Van't Hoff Factor and Colligative Property, which is the topic of Solution and Colligative Property. अभी हम देखेंगे Van't Hoff Factor and दूसरा जो टॉपिक है कौन Colligative Property. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि Van't Hoff Factor क्या है. You all know very well about the Van't Hoff Factor. This Van't Hoff factor is denoted by I and it is given by the formula observed colligative property upon theoretical colligative property. आपको पता है कि जब भी हम किसी solute को solvent में डालते हैं तो जैसे NaCl को डाल दिया तो हमने एक molecule अगर एक mole अगर NaCl का हमने लिया है तो हम consider करेंगे कि एक ही mole डाला है लेकिन वहाँ पे जाके उसका Na positive और Cl negative हो जाता है और एक particle के कितने हो जाते हैं दो particles और इसलिए एक मोल के लगभग कितने हो जाते हैं दो और इसलिए वहां पे ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है ऐसी प्रॉपर्टीज की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है चेंज और ऐसी प्रॉपर्टी की वैल्यूज वहां पे चेंज हो जाने की वजह से क्या होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है उसी को हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी और इसलिए हमने तो एक मोल ऐड किया था तो हम कंसीडर करेंगे कि एक मोल नंबर ऑफ मोल्स एक मोल लेकिन प्रैक्टिकली जो प्रॉपर्टी दिखेंगी वो लगभग दो मोल के लिए लिखेंगी और इसलिए प्रैक्टिकली ऑब्जर्व जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और हमने जो कंसिडर किया वो एक मोल के लिए कंसिडर किया दैट इज कॉल्ड थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इस तरह ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनके बीच में वहां पे क्या होगा डिफरेंस होगा. अब वो दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेगी, एक मिलेंगी जो ऑब्जर्व या प्रैक्टिकली हमें मिलेंगी और दूसरी मिलेंगी जो हम विदाउट मतलब हमने एक मोल डाला तो एक ही मोल कंसीडर करके निकालेंगे. तो इस तरह दो टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी, वन विल बी अ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड अनदर विल बी अ थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो वी कैन हैव द टू टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन इज ऑब्जर्व एंड अनदर इज थेरोटिकल एंड रेशियो ऑफ दीज टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड वैंट ऑफ फैक्टर. So what do you mean by Van't Hoff factor? Do you understand? So Van't Hoff factor is denoted by I and it is the ratio of observed colligative property to the theoretical colligative property. Observed colligative property or theoretical colligative property ka jo ratio hai, usi ko hum kahenge Van't Hoff factor which is denoted by I. So this is the first point we have, that is the which factor? Van't Hoff factor. अब सेकंड हमारे पास बहुत अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जिसमें एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है व्हाट इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इफ यू नो इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी. लेकिन हमारे पास दो टाइप के इलिवेशन रहेंगे, एक रहेगा ऑब्जर्व और एक रहेगा थेरोटिकल. सो वी हैव द फॉर्मूला फॉर दैट आई वेंट ऑफ फैक्टर इज गिवन बाय ऑब्जर्व इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. तो ये फॉर्मूला हो गया ऑब्जर्व इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. उसी तरह ऑब्जर्व ऑस्मोटिक व्हाट ऑब्जर्व लोअरिंग ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है ऑब्जर्व लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अपॉन थेरोटिकल लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर which is denoted by delta P observed upon delta P theoretical. And the last colligative property we have, that is I, which is denoted by which factor? Van't Hoff factor. And it is given by pi observed upon pi theoretical. So, is tarah humare paas hai, I is equal to pi observed upon pi theoretical. So, this pi observed upon pi theoretical gives you I, that is called a Van't Hoff factor. So, Van't Hoff factor को हम I से denote करेंगे and I is equal to pi observed upon pi theoretical. So, we can have this formula for the Van't Hoff factor. और आज हम देख रहे हैं Van't Hoff factor के ऊपर का numerical. हमारे जो पुराने वाली textbook है उसमें का हम numerical देख रहे हैं, numerical number 36. सबसे पहले मैं numerical लिखता हूँ and after writing this numerical, then we solve this. ठीक है? So, we are seeing the numerical number 36. तो फर्स्ट आई राइट हियर द न्यूमेरिकल. आपको भी साथ में न्यूमेरिकल लिखना है तो 0.36
2 mole, 0.2 small m. Small m stands for molal. 0.2 molal solution of KCl. Solution of KCl freezes at कौन फ्रीज हो रहा है solution freezes at minus 0.680 degree Celsius full stop. Calculate Van't Hoff factor, calculate करना है. अब वर्ड्स में लिखेंगे calculate Van't Hoff factor and observed osmotic pressure of solution and observed osmotic pressure of solution, observed osmotic pressure of solution at 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius और Kf आपको दिया है 1.86 Kelvin kg per mole. ये आपको एक बहुत अच्छा सा numerical दिया है और इस numerical को हमें solve करना है बड़े अच्छे तरीके से. अभी हम सबसे पहले इसका given data लिखते हैं. अपना concept है कोई भी numerical अगर हमें solve करना है तो सबसे पहले हमें उसका क्या लिखना पड़ता है, गिवन डाटा. सो फर्स्ट आई राइट द गिवन डाटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल. तो क्या क्या गिवन है हमें इस न्यूमेरिकल में वो देखेंगे. फर्स्ट व्हाट वी हैव 0.2 मोलल सॉल्यूशन, मतलब सबसे पहले हमें क्या दी हुई है, मोलालिटी. मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m. मोलालिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल m से. तो स्मॉल m कितनी दी है, 0.2 मोलल. एंड इफ यू नो 0.2 तो इसको हम लिख सकते हैं 2×10⁻¹ मोलल, और मोलल मतलब ही होता है मोल्स पर केजी. ठीक है, तो ये हो गई मोलालिटी. 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, केसीएल का सॉल्यूशन है. किसका सॉल्यूशन है, केसीएल. तो ये जो सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, सो इट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 0.2 मोलल सॉल्यूशन ऑफ केसीएल फ्रीजेस एट, सो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सो व्हाट आई राइट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो हम टीएस से रिप्रेजेंट करेंगे. सो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज -0.680 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का. क्या है फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का, -0.680 डिग्री सेल्सियस. तो दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दिया है, सॉल्यूशन ऑफ केसीएल फ्रीजेस एट. हमें Van't Hoff factor को हम डिनोट करते हैं I से. तो Van't Hoff factor आपको निकालना है. एंड ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर को मैं पाई ऑब्जर्व से डिनोट करता हूं, ये भी आपको निकालना है. एंड ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस. तो इस तरह हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है. अब यहां पे आपको क्या कहा है, फ्रीजिंग पॉइंट्स. सो फर्स्ट वी सॉल्व इट. अब सबसे पहले तो यहां पे हमारा कॉन्सेप्ट है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो. बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, हमेशा ध्यान में रखेंगे. क्या निकालना है हमें, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ विच फैक्टर, Van't Hoff factor which is denoted by R. So अभी हमें सबसे पहले Van't Hoff factor की वैल्यू निकालनी है. So I start to solve the numerical from there. तो Van't Hoff factor की वैल्यू निकालने के लिए यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमरिकल को. हाँ, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, Van't Hoff factor.
तो हमारा कॉन्सेप्ट है जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो, क्या निकालना है, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर इज डिनोटेड बाय आई एंड इट इज गिवन बाय ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास इतने सारे उसके फॉर्मूले है, अब उसमें से वो फॉर्मूला आपको चूज करना है जो जिसके रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। किसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, ये है कौन सा पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। हमें इंफॉर्मेशन दी है किसके रिलेटेड, फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट के रिलेटेड है हमारे पास फॉर्मूला आई इज इक्वल टू डेल्टा टी अप ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी अप थेरोटिकल। डेल्टा टी अप ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी अप थेरोटिकल, ये हमें एक इंफॉर्मेशन दी है। तो डेल्टा टी अप मतलब ऑब्जर्व लोअरिंग ऑफ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह हमें यहाँ पे वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पुट करते आई, आई का क्या फॉर्मूला है, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी अप, और दूसरा है थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी अप थेरोटिकल एंड दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा टी अप ऑब्जर्व। तो अभी हमें ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अब ये दोनों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। किसके लिए, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। आई की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब उसके लिए उसने डायरेक्ट बोला है कि सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इतना है, और ये जो सॉल्यूशन है 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट, ठीक है, यहाँ पे Kf की जो वैल्यू है 1.86, दिस इज फॉर सॉल्वेंट और इट इज फॉर वाटर, व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट देन इट्स वैल्यू इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और इसलिए हम कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है दैट सॉल्यूशन इज अ एक्वियस सॉल्यूशन, और अगर ये एक्वियस सॉल्यूशन है तो आप सबको पता है मतलब इसमें सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो इसने हमें डायरेक्ट किसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है। तो सॉल्यूशन का ऑब्जर्व किया उसने, जो भी सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन का ऑब्जर्व किया जो डायरेक्ट वहां पे गिना, तो दैट इज प्रैक्टिकल, सो इट इज ऑब्जर्व फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व है, और जो सॉल्वेंट रहेगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता है कौन है, सॉल्वेंट वाटर, रोज पीते हो आप, ठीक है। तो ये जो वाटर है इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो सॉल्यूशन का पता है, सॉल्वेंट का पता है, उन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिलेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दैट विल बी अ ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस तरह हमें पहले ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू मिलेंगी, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, थेरोटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपना फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इफ यू नो दैट इज द थेरोटिकल डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज गिवन बाय के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट एंड एम इज द मोलालिटी। हमें दोनों की वैल्यू गिवन है, के एफ की भी वैल्यू गिवन है, मोलालिटी की भी वैल्यू गिवन है। दोनों भी वैल्यूज हम वहां पे पुट करेंगे, और दोनों भी वैल्यूज वहां पे पुट करके हमें क्या मिलेगा, एक नया इक्वेशन मिलेगा, हमें डेल्टा टी एफ थेरोटिकल की वैल्यू मिलेंगी। दोनों वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। और इसलिए हमें किसकी पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, आई, आई की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप ऑब्जर्व एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी अप थेरोटिकल। तो पहले हम डेल्टा टी अप ऑब्जर्व की वैल्यू निकालते हैं। वी नो डेल्टा टी अप, व्हाट इज डेल्टा टी अप, इट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा टी अप ऑब्जर्व इज गिवन बाय द फॉर्मूला डिप्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिप्रेशन। डेल्टा टी एफ इज नथिंग बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या हो रहा है वहां पे, डिप्रेशन हो रहा है, और आप सबको अगर पता है डिप्रेशन हो रहा है मतलब पहले ज्यादा था अब कम हो रहा है, सो इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नाम है वॉटर विच इज डिनोटेड बाय T0 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
which is denoted by TS. And so we can have the formula for delta T up observed is equal to freezing point of pure solvent. Pure solvent hai water, aur water ka jo freezing point hai wo kitna rehta hai 0 degree Celsius. So freezing point of water is 0 degree Celsius minus freezing point of solution jo hame yahan pe diya hai. This is the freezing point of solution. Humne likha bhi hai freezing point of solution TS, which is minus, ye pehla wala minus tha, aur ye freezing point of solution ki value hi degree Celsius mein. ध्यान में रखना इन दोनों के यूनिट कैसे चाहिए सेम. तो ये भी डिग्री सेल्सियस में लिया, ये भी डिग्री सेल्सियस में. अगर ये केल्विन में रहता तो हम इसको भी केल्विन में लेना पड़ता था. तो अभी ये हो गया डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ पे ये है माइनस 0.680 डिग्री सेल्सियस. तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू मिलेंगी. क्या वैल्यू है यहाँ पे, यू कैन सी दिस इज माइनस माइनस प्लस. तो 0 माइनस 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 प्लस 0.680 डिग्री सेल्सियस. ये भी डिग्री सेल्सियस है, वो भी डिग्री सेल्सियस है. दोनों की क्या हो जाएंगी एडिशन, और दोनों की एडिशन होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, दोनों की एडिशन यू गेट द आंसर प्लस 0. आई जस्ट राइट दिस आंसर हियर प्लस 0.680 डिग्री सेल्सियस. दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी ऑफ ऑब्जर्व. हमें उन्होंने बोला ही था ऑलरेडी, क्या निकालो ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉरी हाँ ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर की भी वैल्यू उन्होंने ऑब्जर्व, एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लेता हूं. कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर एंड ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू भी निकालने को कही है, वो निकाल लेंगे. सो यहाँ पे हमें डेल्टा टी अप क्या मिल गया, ऑब्जर्व क्या मिल गया, डेल्टा टी अप ऑब्जर्व, दैट इज द लोअरिंग ऑफ डेल्टा टी अप ऑब्जर्व. डेल्टा टी अप ऑब्जर्व का भी फॉर्मूला क्या मिला, वैल्यू मिली 0.680 डिग्री सेल्सियस, 0.680 डिग्री सेल्सियस. चलो एक वैल्यू मिल गई. अब हम क्या निकालेंगे, डेल्टा टी अप थेरोटिकल निकालेंगे. यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द डेल्टा टी अप थेरोटिकल. क्या फॉर्मूला है डेल्टा टी अप थेरोटिकल, ठीक है, डेल्टा टी अप थेरोटिकल. सो डेल्टा टी अप थेरोटिकल का फॉर्मूला होता है के एफ इंटू एम. के एफ इज अ वॉट वेंट ऑफ सॉरी क्या कहते हैं के एफ को, मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, एंड स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलालिटी. तो हमें के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है 1.86. This is the value of Kf. क्या वैल्यू है Kf की, 1.86. ठीक है, और मोलालिटी, मोलालिटी की वैल्यू क्या है, मोलालिटी की वैल्यू बहुत अच्छी है, कितनी है 2×10⁻¹. ठीक है, Kf का यूनिट रहता है केल्विन केजी पर मोल, और इसका यूनिट है मोल्स पर केजी. तो पर केजी, केजी कैंसल, मोल पर मोल कैंसल, तो यूनिट बचा सिर्फ केल्विन. सो इस तरह हमें डेल्टा टी अप की वैल्यू मिलेंगी 10⁻¹ जो है उसको वैसे ही रखते हैं, या डायरेक्ट मैं इसको 0.2 ही ले लेता हूँ क्योंकि ओरली कैलकुलेशन हो रही है, 0.2 ही ले लेते. तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 12 1 कैरी 8 × 16 6 × 12 1 कैरी 8 × 16 16 एंड 1 17. तो 1 कैरी, 2 × 1 2 2 + 1 3. सो हमारा आंसर आया इतना. अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट बाद पॉइंट 1 2 और इसका 1, तो 3 डिजिट बाद. सो योर आंसर विल बी 0.372. डेल्टा टी अप थेरोटिकल की वैल्यू आपको मिल गई, दैट डेल्टा टी अप थेरोटिकल इज इक्वल टू 0.372. इसकी वैल्यू थी 0.680, इसकी वैल्यू है 0.372. ठीक है, तो इस तरह हमें वैल्यू मिली है डेल्टा टी अप थेरोटिकल. अब दोनों की वैल्यू से हमें क्या निकालना है, दोनों की वैल्यू से हमें निकालना है आई, विच इज गिवन बाय द फॉर्मूला डेल्टा टी अप ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी अप थेरोटिकल. डेल्टा टी अप ऑब्जर्व अपॉन डेल्टा टी अप थेरोटिकल. सो डेल्टा टी अप थेरोटिकल यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू,
What is the value of delta T of observed? That is 0.680 degree Celsius upon 0.372 degree Celsius. अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे दो-दो डिजिट मैं पॉइंट को उधर शिफ्ट कर देता हूँ. अगर दो-दो एक-एक डिजिट ही शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6.80 into 10 raised to the power minus 1. जब हम पावर को बढ़ाते हैं, तो पावर माइनस होता है. तो 10 raised to the power minus 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3.72 into 10 raised to the power minus 1. दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल. अब हम इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं. When we solve it by log, तो what we get? अभी इसको log से solve करेंगे, और log से solve करके हमें किसकी value मिलेंगी? I की. So, we get the value of I here. तो, यहाँ पे I की value निकालने के लिए, दोनों का log लेना पड़ेगा. So, we know very well, कि पहले किसका किसका देखेंगे log? Log table में हमें इसके log देखने पड़ेंगे. आप log देख के, अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए log के, तो आप इसका log देख के आंसर निकाल लेना. मैं आंसर लिख देता हूँ. Its answer is 1.83. ठीक है. ऑलरेडी अगर समझाओ तो ये हो गया 37 अप्रॉक्स, या इसको 6.8 है तो 7, और इसको 3.6 है तो 4 ले लेंगे, तो लगभग 1.83 का आंसर आ जाएगा. लॉग मैंने पढ़ा दिया है, लॉग से आप इसको सॉल्व करेंगे. तो इस तरह हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी? आई की. तो आई की वैल्यू हमें मिल गई. क्या मिल गई आई की वैल्यू? यहां पे लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू 1.83. तो ये एक पार्ट था न्यूमेरिकल का जो हमने अभी सॉल्व किया है. ठीक है, लॉग के कैलकुलेशंस आपको खुद करने हैं. नेक्स्ट पार्ट वी आर डिस्कसिंग हियर. अभी आई की वैल्यू मिल गई, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? पाई ऑब्जर्व की. ठीक है, पाई ऑब्जर्व की. आई की वैल्यू समझ गए कैसे निकाली, तो ये मैं मिटा देता हूं अभी, और हम आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. अभी हमें यहां पे आई की वैल्यू मिल गई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? 1.83 यूनिट. नो यूनिट, क्योंकि ये यूनिट क्या हो जाते हैं? कैंसिल. तो इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ आई. अब उसके बाद आप गिवन डाटा में देखेंगे, आई तो हमें मिल गया, लेकिन उसके नीचे आपको पूछा है कैलकुलेट ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपको कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है? ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर. और अगर आपको ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो इट इज डिनोटेड बाय पाई ऑब्जर्व. और अभी हमारे पास और एक फॉर्मूला है. किसका? आई का. आई का कौन सा फॉर्मूला है? आई इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल. आप बोलेंगे सर बाकी वाले फॉर्मूले नहीं यूज कर सकते क्या? क्योंकि फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है. ध्यान में रखेंगे आप, फॉर्मूले से जो वैल्यू निकलती है वो थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और इसलिए हमें अगर पाई ऑब्जर्व चाहिए तो हमें वो जो फॉर्मूले से जो वैल्यू मिलेंगी, जैसे हमारे पास कल तक हमने ये फॉर्मूले देखे थे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी और पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी. ये जो हमारे फॉर्मूले है, इससे मिलने वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू किसकी होती है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी है, पाई इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी. दैट वैल्यू इज द पाई थ्योरेटिकल, बट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई ऑब्जर्व. एंड इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पाई ऑब्जर्व, सो यू हैव टू डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला दैट आई इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल. वी हैव टू यूज द फॉर्मूला देयर, व्हाट आई इज इक्वल टू पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल. तो यू नो वेरी वेल पाई ऑब्जर्व की वैल्यू आपके पास ये है, पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई थ्योरेटिकल गिव्स यू आई. एंड सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला व्हाट आई राइट? पाई ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इनटू पाई थ्योरेटिकल. पाई ऑब्जर्व इज इक्वल्स टू आई इनटू पाई थ्योरेटिकल. आई इनटू पाई थ्योरेटिकल गिव्स यू पाई ऑब्जर्व. I into pi theoretical gives you pi observed. तो ये जो pi observed है, तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? Pi theoretical. क्या निकालना पड़ेगा? Pi theoretical. और pi theoretical निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, pi theoretical is equal to, ये फॉर्मूला है, pi theoretical into v is equals to nRT. There is a
N is the number of moles, R is the what? Ideal gas constant, and T is the temperature, and V is the volume. अब यहाँ पे थोड़ा स्पेशल चीज हमें यहाँ पे देखनी है. तो अगर हमें पाई थ्योरेटिकल निकालना है तो पाई थ्योरेटिकल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आर टी अपॉन वी. अब इसको निकालने के लिए आर की वैल्यू तो हमें पता रहती है, टेम्परेचर इस रिएक्शन में दिया था. अगर मैं न्यूमेरिकल को पढूं, आपके पास गिवन डाटा लिखा होगा, नोटबुक में आप लिख रहे होंगे तो आप उसमें देखेंगे कि दैट रिएक्शन वॉज कैरिड आउट व्हाट एंड ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0°C. आपको ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने को कहा था, लेकिन कितने टेम्परेचर पे? 0°C. 0°C टेम्परेचर पे आपको निकालना है. मतलब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? टेम्परेचर गिवन है कितना? 0°C. लेकिन आर की वैल्यू केल्विन में रही थी और इसलिए हम इसको 0+273 दैट इज इक्वल टू 273 केल्विन हम उसको टेम्परेचर को यहाँ पे ले लेते हैं. उसके बाद और क्या गिवन है? हाँ, अब रह गया आर. आर की वैल्यू तो आपको सबको पता है क्या होती है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. आर की वैल्यू आपको ये नहीं लेनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है. अब यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है तो वो वॉल्यूम हम काय में लेने वाले हैं उसके ऊपर डिपेंड करेंगे आर की क्या वैल्यू रहेंगी. ठीक है, सो डोंट वरी, मैं आपको उसको बाद में समझाता हूँ. तो आर की अब ये वैल्यू जो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, दूसरी आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल. तो आर की दो वैल्यू है. अभी अगर हमें पाई का जो यूनिट है वो क्या रहता है? जनरली एटमोस्फियर. ठीक है, और इसलिए हमें जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी. इसके पीछे के दो रीजन है. एक, क्यों वॉल्यूम जो है हमारा लीटर में रहेगा, तो ये लीटर और आर के यूनिट में अगर लीटर रहा तो लीटर लीटर क्या हो जाएगा? कैंसल. और लीटर लीटर अगर कैंसल हो जाएगा और इसलिए हमें ये जो आर की वैल्यू है दैट वी हैव टू टेक इन अ लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल. सो इसलिए हम आर की ये वैल्यू लेंगे. कौन सी? लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल. क्यों ली आर की ये वैल्यू? डू यू अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे. आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमोस्फियर पर केल्विन पर मोल. अब हमें आर भी मिल गया, टी भी मिल गया, बचा कौन? नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम. उसके लिए हमें इस न्यूमेरिकल में क्या दी है? मोलालिटी. क्या दी है? मोलालिटी. एंड इफ यू नो यहाँ पे मोलालिटी दी है, आप गिवन डाटा में देख लेना, सबसे पहले बोला था 0.2 मोलल, तो यहाँ पे दी है मोलालिटी. मोलालिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, दैट इज 0.2 मोलल. इसका मीनिंग है दैट इज क्या कह सकते हैं हम? 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन, हाउ मच? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वॉटर. ठीक है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, अब सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या दिया है? वेट. और आपको पता है सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वॉटर. एंड फॉर वॉटर डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 kg पर लीटर. दैट इज 1 kg ऑफ वॉटर इज इक्वल्स टू हाउ मच लीटर? 1 liter. मतलब 1 kg वॉटर है मतलब कितना लीटर है? 1 liter. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉटर कितना है? 1 liter. और लगभग उसमें हम क्या डाल रहे हैं? उसमें सिर्फ 0.2 मोल सोल्यूट के डाल रहे हैं. सिर्फ 0.2 मोल सोल्यूट के ऐड करने की वजह से जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन में जो चेंज इन वॉल्यूम है वो एकदम निग्लिजिबल रहेगा. और इसलिए सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है लगभग उतना ही वॉल्यूम वहां पे सोल्यूशन का भी रहेगा. एंड सो वी टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इज इक्वल्स टू 1 liter. तो क्यों हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 1 liter लिया? समझ गए? ठीक है, तो क्योंकि मोलालिटी 0.2 मोलल थी जिसका मीनिंग है 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज वॉटर.
बट वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg per liter. Therefore, 1 kg is equals to 1 liter. And as the 1 kg is equal to 1 liter, so volume of water is 1 liter, but 0.2 moles ही solute वहाँ पे डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे change in volume negligible रहेगा, और इसलिए water का जितना volume है, उतना ही लगभग solution का volume रहेगा, और इसलिए volume of solution is taken as 1 liter, number of moles is taken as 0.2. सब values को हम इसमें put करेंगे, तो हमें मिलेंगी pi theoretical की value. So, pi theoretical का formula हमारे पास है, और values भी आ गई. सबसे पहले put करेंगे number of moles. तो ये formula हमने use कर लिए. Finally, एक formula use करेंगे, pi theoretical, I का जो formula है, pi observed upon pi theoretical, जो already मैंने वहाँ पे लिखा है, तो अभी मैं आगे का numerical यहाँ पे solve कर रहा हूँ. So, we have that value. Pi theoretical is given by N RT upon V. So, it is given by N. N. N stands for number of moles. कितने moles दिए हैं? 0.2 moles. R की value 0.0821. Unit है liter atmosphere per Kelvin per mole. और temperature है 273 Kelvin. और volume है 1 liter. पहले unit को cancel कर लेते हैं. लीटर लीटर कैंसल, मोल पर मोल कैंसल, और केल्विन पर केल्विन कैंसल. तो यूनिट बचा है एटमॉस्फियर. क्या यूनिट बचा है? एटमॉस्फियर. चलो अभी वैल्यूज को पॉइंट वगैरह शिफ्ट, पॉइंट शिफ्ट करने की जरूरत, हाँ हमें लॉग देखना है तो पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे. इसको लिखता मैं 2 × 10⁻¹. ठीक है, एक डिजिट शिफ्ट करा, इसको दो डिजिट शिफ्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 8.21. एक दो डिजिट पॉइंट शिफ्ट किया 8.21 इनटू 10⁻²⁻². ठीक है, दो डिजिट शिफ्ट किया, वैल्यू बढ़ाई इसलिए पावर माइनस, तो 10⁻²⁻² इनटू 273, ठीक है, अपॉन 1. तो अभी इसको हमें लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा. ये माइनस टू है और ये माइनस वन हो गए, तो हो गया 10⁻³. अब इसको सॉल्व करेंगे, एक हर एक का क्या देखना पड़ेगा? लॉग. तो हर एक का लॉग देखेंगे तो क्या होगा? तो लॉग देखेंगे, पहले एक का लॉग टू, लॉग टू इज इधर एक डिजिट बाद पॉइंट है इसलिए 0 पॉइंट, यहाँ पे भी एक डिजिट बाद पॉइंट है इसलिए 0 पॉइंट, यहाँ पे तीन डिजिट बाद पॉइंट है इसलिए 2 पॉइंट. चलो लॉग टू 0.303010, ये आपको लर्न होना चाहिए लॉग टू. अब हम देखेंगे नेक्स्ट किसका लॉग देखना है. अभी लॉग देखना है 82 का 1 में लॉग देखना है. ठीक है, सो 82 का 1 में लॉग देखेंगे तो इट इज, आप भी देखेंगे, हम 82 का 1 में है 9143. This is the log of 82 in 1. So, it is 9143. 27 का 3 में log देखेंगे. 27 का 3 में अगर देखेंगे, so it is 4362. 27 का 3 में देखेंगे, 4362. 4362. अब इन तीनों log की क्या करेंगे? Addition. 3 + 2 = 5, यहाँ पे 6 + 4 = 10, 10 and 1 = 11, 1 carry, 3 + 2 = 5, 9 and 3 = 12, 12 and 4 = 16, 1 carry, 2 and 1 = 3. So once more, 3 + 2 = 5, 6 + 4 = 10 and 1 = 11, 1 carry, 1 and 1 = 2 and 3 = 5, 9 and 4 = 13 and 3 = 16, 6 1 carry, 3 point. इसका देखेंगे एंटीलॉग. एंटीलॉग पॉइंट के पहले 3 है इसलिए पावर में इसके क्या लिख दिए? 3. और अभी 65 का 1 में देखेंगे और 5 में मीन डिफरेंस. 65 का 1 में है 4477. 65 का 1 में है 4477 और 65 में मीन डिफरेंस है 5.
5 में मीन डिफरेंस है 5, 65 का 1 में 4477, 5 में मीन डिफरेंस है 5, इसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8, 4482, सो योर आंसर इज 4482, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई थ्योरेटिकल, वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई थ्योरेटिकल, ये प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई थ्योरेटिकल 4.482, इसका यूनिट रहेगा एटमॉस्फेयर, सो इन दिस वे वी गेट द वैल्यू ऑफ पाई थ्योरेटिकल, द वैल्यू ऑफ पाई थ्योरेटिकल इज 4.482, एक्चुअल में 4.47 ही दिए, 0.0821 अगर हम नहीं लेते थे तो इतना ही आंसर आता था, डोंट वरी 4.477, तो वी गेट द आंसर 4.482, दैट इज इन एटमॉस्फेयर। अब ये हमें किसकी वैल्यू मिली, पाई थ्योरेटिकल, अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई ऑब्जर्व, तो पाई ऑब्जर्व इज गिवन बाय आई इनटू पाई थ्योरेटिकल, आई की वैल्यू हमारे पास निकल के पाई थ्योरेटिकल की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है, दोनों वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे और अभी हमें किसकी वैल्यू मिलेंगी, पाई ऑब्जर्व, तो ये कैलकुलेशंस है, आपको ध्यान में रखना है, सबने जितने भी यूनिट्स चालू है, जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूँ वो सभी यूनिट्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है, मैं अभी वो यूनिट्स कंटिन्यू नहीं करूंगा, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही मैं उसको कंप्लीट करूंगा, इसलिए जो भी 3 यूनिट चालू है सभी को, बोर्ड्स वालों को, एंट्रेंस वालों को, सभी को आपको तीनों भी यूनिट्स करने हैं, कौन से, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव के न्यूमेरिकल्स, उसके बाद अल्कोहल फेनॉल ईथर में का फेनॉल चालू है, इसके बाद ईथर चालू होगा अभी कल से, नेक्स्ट लेक्चर से, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तीनों यूनिट सबके प्रिपेयर हो जाने चाहिए, ये मैं सब लास्ट में लूंगा, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स आल्सो 11th, एंट्रेंस वाले, बोर्ड्स वाले, सभी एस ब्लॉक एलिमेंट भी आप साथ में प्रिपेयर करेंगे सभी, ठीक है, सो नाउ एज वी हैव पाई ऑब्जर्व, तो पाई ऑब्जर्व इज गिवन बाय पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई थ्योरेटिकल, पाई ऑब्जर्व इज गिवन बाय पाई ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू पाई थ्योरेटिकल, तो I की वैल्यू हमारे पास है 1.83 और पाई थ्योरेटिकल की वैल्यू अभी आई है 4.482, तो अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे वो आपको आ जाएगा, ठीक है, 4.482 इंटू 1.83, तो दैट विल बी, जो भी आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर पाई ऑब्जर्व, सो 1 पॉइंट ये हो गया, 0 पॉइंट ये भी एक डिजिट बात है, 0 पॉइंट 18 का 3 में देखेंगे, 18 का 3 में लॉग है 2625, 44 का 8 में, 44 का 8 में देखेंगे, सो इट इज 6513, ये 2 को निगलेक्ट कर देते हैं, 6513 दोनों के लॉग के एडिशन की, 538 2 प्लस 1 3 6 एंड 5 11 1 कैरी 6 एंड 3 9 0.9138, इसका देखेंगे एंटी लॉग 0.9138, 91 का 3 में एंटी लॉग है 8185, 8 में मीन डिफरेंस है 91 का 3 में देखा तो इट इज 8185 और 8 में उसका मीन डिफरेंस है 15, तो 15 इसमें ऐड कर देंगे, सो इट इज 82, सो 82 मतलब 8.2 एटमॉस्फेयर, दिस इज इट्स ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे आंसर भी चेक कर लेंगे, एग्जैक्ट आंसर है 8.19 एटमॉस्फेयर विच इज रिटर्न एज 8.2 एटमॉस्फेयर, इस तरह आपको वैल्यू मिली है 8.2 एटमॉस्फेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव सॉरी ऑब्जर्व ऑस्मोटिक प्रेशर, इतना बढ़िया सा न्यूमेरिकल था, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, क्या क्या किया हमने इसमें, हमने सबसे पहले आपको मोलालिटी गिवन थी, मोलालिटी के बाद आपको उसका ऑब्जर्व सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट दिया था सॉल्यूशन का, तो हमने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला, थ्योरेटिकल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला मोलालिटी के,
उसके हेल्प से आई निकाला, फिर आई के हेल्प से हमको पाए ऑब्जर्व निकालना था, उसके लिए पहले पाए थ्योरेटिकल निकाला, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया NRT अपॉन V, तो उससे हमें पाए थ्योरेटिकल मिला, फिर हमें उसके पाए ऑब्जर्व की वैल्यू मिली। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है और लाइक करना है वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट सेक्शन में कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।